बाद में उसका कॉफ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे धागा लगाने के लिए कपड़ा नहीं है, हम इसको ऐसा ही पलटी करेंगे। ये बीच चटका और ये वाले बीच चटका दोनों मिला लेंगे। अब कॉलर का हाला कट करेंगे, यहाँ इस तरह नाप करके देख लें कितना बढ़ रही है, इतना बढ़ रही है तो हम इसको यहाँ से गोल करेंगे, इस तरह कट कर लेंगे। ये दोनों पल्ला को हम पहले बराबर करके इसको कट करेंगे। यहां से 6 इंची बटन के लिए मार्क लगाएंगे और यहां से 3 इंच बटन के लिए मार्क लगाएंगे। टोटल इसमें 6 बटन आएंगे। ठीक है, तो 4 इंची आधा पॉइंट, 8 इंची एक पॉइंट रहेगी, इस तरह करके टोटल 6 बटन आ जाएगी। तो अब इसका आस्तीन लगाएंगे। ठीक
ठीक है, तो ये हमारा गलती पट्टी है। पहले सबसे पहले गलती पट्टी को बनाएंगे। ये फोल्ड करना हमने भूल गया था, तो इसको नाखून से फोल्ड करके, एक गलती पट्टी का बटन पट्टी है इस तरह रख लेंगे। दूसरा पट्टी, इसमें हमने 1 इंच का पट्टी चिपकाया है। इसके अंदर 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। पहले हम इसको कॉप लगा करके आस्तीन अटैच कर लेंगे। बाकी जो बढ़ रही है हम इसको इस तरह कट कर लेंगे। ये कॉप है, ये कॉप में मार्क लगी है पहले से। इसमें जो भी प्लेट रहेगी यहाँ पे रहेगी, प्लेट ज्वाइंट के पास प्लेट रहेगी। ऐसे नाप करके देख लेंगे, ये मार्क के पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगी। से हाफ दाब का सिलाई रहेगी। यहां से 1 इंची ये बाजू फ्रंट हिस्सा में रख करके हम इसका हैंड्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से 1 इंची हम ज्यादा रखे हैं, ये आस्तीन का रोल 1 इंच ज्यादा रखे हैं, ताकि यहाँ पे रिंकल आना चाहिए।
तभी वो फिनिशिंग दिखेगी। ठीक है, ये ज्वाइंट को पीछे के हिस्सा में करेंगे, ये आस्तीन का ज्वाइंट आगे के हिस्सा में करेंगे, ये ज्वाइंट यहाँ है, ठीक है, दूसरा ज्वाइंट यहाँ है, चटका के पास हम रख करके हम सिलाई मारेंगे। अब यहां से इतना कट कर लेंगे, पूरे पल्ला है ना आस्तीन के पास देंगे, ताकि जिससे आस्तीन फिनिशिंग दिखे, जिस तरह सूट में देते हैं उस तरह हम यहां पे भी देंगे। ये रिंकल कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, जब प्रेस लगेगी ना और ये इस तरह पलटी होगी तो साफ हो जाएगी, कुछ इस तरह दिखेगी। इसी तरह से दूसरा आस्तीन लगा लेना है। ठीक है, तो ये हमारा सूट सफारी का काम कंप्लीट हो गई है।